बहुत हाँ ठीक है। तो गाइस देखो ये पहाड़ी उतर रहे हैं हम लोग, पहाड़ी में आकर के, पहाड़ी है ना गाइस, हम लोग चल रहे हैं पानी के कढ़ाई के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्किंग एक्सप्लोरर में, और नया ब्लॉग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस नदी किनारे से, जिसमें अभी हम लोग नहाने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है अभी। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी इन्जॉयफुल रहने वाला है आज का हमारा दिन, क्योंकि आज की डेट में हमको बहुत सारी चीज़ें करनी। तो हमारे जितने साथी संगाती वो पीछे आ रहे हैं, अब वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वो राजा है गद्दार। क्या बोला तूने? चलो चलते हैं, अभी नहाते धोते हैं, और हमारे मैनुअल गाइड हमारे पीछे जस्ट आ रहे हैं। चलते रहिए, हम रिकॉर्ड करते रहेंगे भैया। ऐसे बनियान वीडियो मत डाल दीजिए। अबे कौन देख रहा है? जान भी देख रहा, जान पहचान भी का एक बोले ठीक है। क्या गए हैं? हां अरे बहुत हां ठीक है। पकड़े बैठी है ना, पासवर्ड हुआ क्या? क्या करना है इसमें पासवर्ड? मैं तो कैमरा ऑन करूँगा ना। आप रिकॉर्डिंग में आ गए? अरे फाइन 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 फगार। अरे फाइन रे का दुनिया देखी गाँव में कहीं आदमी राट है। गाइस टटून कर रहे हैं, और गाइस बड़े बड़े झूम लेके इधर चल रहे हैं, और ये हम लोग का वर्चुअल एक्सपीरियंस। गाइस देखो नदी के लिए जा रहे हैं, जो कूदी मारेंगे तब दिखाएंगे। अब भोले को शायद वहीं छोड़ आए भोले, लेकिन तुम एक काम गड़बड़ किए रात में। याद आया क्या? कौन सा काम? तुम नाचे नहीं। अरे रात में इसकी छाया लग जागी थी। मैं भोले को कह रहा है नाच दो थोड़ा सा। नदी है आकर आवाओगे यही में आएंगे। मैं फ्रंट कैमरा यूज कर ले रहा हूँ। भाई देख रहे दिख रही कि नहीं नदी? पीछे जो महाकाल के सबसे बड़े वाले आ रहे हैं भक्त। भाई होटल ढूंढने का। तो गाइस देखो ये पहाड़ी उतर रहे हैं हम लोग, पहाड़ी में आकर के, पहाड़ी है ना, तिरका है बोरा। इतना स्लो रिकॉर्ड करना पड़ रहा।
गाइस हम लोग चल रहे हैं पानी के अंदर। ये देखिए बोले साबुन रगड़ाता है सर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। वैन हुसैन के चड्ढा पहने लौंडा। अबे तो गाइस आप देख सकते हैं नदी का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है बहती नदी का। कहाँ गए ये कुछ लोग हैं जो बस तैरना जानते तो भगवान। अच्छा छपाक पड़ा था। बस गाइस इतना है फोन रख के जा रहे हैं एंजॉय करने। फोटो खींचोगे आप पे फोटो इसमें क्या इसमें से निकाल के दे दूंगा ना मैं वीडियो रिकॉर्ड होने तो सामने से मेरी वीडियो के बीच में आते जाइए फोटो निकाल निकाल के दूंगा पोज नहीं ऐसे फोटो खींचेंगे सही है। ए मेरे पास भी है मेरे पास भी है मेरे पास भी डम बल्ला है। क्या अब इसमें बैक कैमरा खराब हो गया है। तो गाइस पोजिंग शोजिंग हो गई है अब हम लोग चल रहे हैं बाहर। तो गाइस आफ्टर गढ़ाई के बाद सब लोग हरे फरे हो गए। One hour later. यही मंदिर बता रहे थे। तो गाइस ये प्राचीन मंदिर थोड़ा बहुत फुटेज बना करके आपको दिखाते हैं इस व्लॉग में। चलिए जरा हाँ बोलो जो गाइस मंदिर में देखो भैरव बाबा लोग लेटे हुए हैं। ईसा लेटा भगवान है ही लेटा। जस्ट आप सामने देख सकते हो ये है मंदिर का मुख्य द्वार और चलते हैं अभी अंदर।
अबे तो क्या मछली के पास जाएगा। गाइस हम लोग परिक्रमा चालू कर रहे हैं। देख सकते हो हम और मिट्टी क्यों बाबू है ना। चलो हाँ ये कौन है महर्षि वाल्मीकि बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये है रामायण दर्शन जिसको भी करना है चित्रकूट वाले इस मंदिर के पास में आओ और जब आप परिक्रमा करोगे तो आपको मिल जाएगा। देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे में ये लिखा हुआ तो भाई जब से देख सकते हो हम लोग 50% परिक्रमा कंप्लीट कर चुके हैं और अभी देखो बाबू महाशय हमारे खोपड़ी भी चढ़ चुके हैं और बस रनिंग 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 चल रही है। और ये देखो ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप जिसके लिए मैंने कैमरा ऑन किया और संतोष भैया की हालत टाइट हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। मामा के सर पे देखो बाबू चढ़ चुके हैं भोले आगे आगे भागे चले जा रहे हैं। भोले चमन प्रास खाए अभी भी। और ये बाबू चलो जय श्री राम। बेटू कहाँ बैठा है चले 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 गाइस हमारी परिक्रमा चालू है। तनु तनु ए तनु ओए तनु तनु ये आप सब देख सकते हो चल रहे ब्रो। नहीं तो इसको बेल दूंगा। आओ चलो। तो गाइस जो अभी मैंने दिखाया ये एक बहुत ज़बरदस्त कुंड था काफ़ी गहराई में था। अब बाबू मामा के पास पहुँचो। ये देखो बाबू गाइस देखो बंदर आलू भुजिया खा रहा है। तनु ओए चल चल गाइस वापस हम लोग आ चुके हैं और दर्शन वगैरह हो गए हैं काफी अच्छे तरीके से और धचके धचके खाते खाते आए हैं। तो अभी हाल बेहाल है तो अभी फिलहाल चलते हैं स्नान करने नदी पे क्यों भाई और नहा धो के फ्रेश हो जाएं फिर निकलते हैं घर के लिए।